राजधानी पटना में जस्टिस फॉर आयुष के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च पटना के इनकम टैक्स चौराहे से डाक बंगला चौराहे तक निकाला गया। 13 जनवरी को 16 वर्षीय आयुष के एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में आयुष के पिता ने नशा मुक्ति केंद्र और अस्पताल पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। सूरज के पिता ने कहा कि मानस अस्पताल के संचालक और स्टाफ ने आयुष की पीट पीट कर हत्या की है। उन्होंने अस्पताल को बंद करने और उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बस इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अब पता नहीं ये कब तक चलेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। वो मेरा बड़ा भाई था, उसके लिए चाहे तो मरना पड़ेगा तब भी इंसाफ हम लोग को चाहिए, कुछ भी हो। मैं पिता हूँ, मैंने अपने बेटे को खोया है और मैं, चूंकि आप कह रहे हैं अधिकारी हूँ, तो मैं बहुत रैशनली बोल रहा हूँ कि मेरा बेटा उस स्थिति में हॉस्पिटल में नहीं गया था कि वो 2 घंटे के अंदर पहले सूचना मिले कि 4 बजे सूचना मिलेगी 12 जनवरी को कि मेरे बेटे को वॉमिटिंग हुआ है और 7 बजे मेरा बेटा मर जाए, इस दुनिया को छोड़ के चला जाए। वॉमिटिंग होने के बाद 3 घंटे में वो दुनिया को छोड़ के चला जाता है और इतने ज़्यादा चोट मार जा रहा है, चोट के निशान, जले के चमड़े उधड़ने के निशान है, तो संभवतः आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा मेरे बच्चे के साथ। न्याय आप चाहते हैं? बिल्कुल। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला? पूरे साइंटिफिक तरीके से ओपन माइंडेड होकर पुलिस अनुसंधान करे, ओपन माइंडेड होकर पुलिस अनुसंधान करे। गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के विष्णु बीघा बालू घाट पर ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। हंगामे के दौरान ग्रामीणों ने आधा दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ कई वाहनों को पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया। वाहन चालकों और बालू घाट संचालकों के साथ भी मारपीट की गई। वहीं बालू घाट के पास बने अस्थायी बैरक को भी आग के हवाले कर दिया। बालू घाट पर स्थित ग्रामीणों का कहना था कि वे लोग रविवार को से बालू घाट बनाने के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। नदियों से बालू उठने के कारण वाटर लेवल नीचे जाएगा, जैसे खेतों की सिंचाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने सरकार से इमामगंज क्षेत्र के सभी बालू घाट रद्द किए जाने की मांग की। इधर बालू घाट पर तोड़फोड़ के बाद लोगों में आक्रोश है, वहीं बालू घाट पर काम कर रहे मजदूरों और संचालकों में दहशत है। स्थानीय पुलिस घटना के बाद बालू घाट पर ही कैंप कर रही है। मामला इस प्रकार का है कि हमारे यहाँ इमामगंज मोहर नदी का जो है बालू, यहाँ का भू माफिया बाहर के जो उधर राजस्थान के तरफ के हैं वो टेंडर लिए हैं और लोकल को यहाँ पर दे दिए हैं। हमारे यहाँ बालू उठाव कर रहे हैं जिससे हम लोग के आने वाला दिन में काफ़ी जो है से दिक्कत बढ़ सकती है, जिसके कारण हम लोग ग्रामीण जनता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी जो है धरती को और बालू को इस सब जो है बचाव के लिए हम लोग एक धरना पर जो है से बैठे हुए हैं। आगे हम लोगों के जो है से इस तरह का कार्य रहेगा तो हम लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि यहाँ जो है से टेंडर रद्द किया जाए और हम लोग का जो है से नदी से बालू ना उठे। आज यहाँ पर हम लोग इसलिए उपस्थित हैं कि लवजी मोरहर सोलहर ये संगम पे सरकार के द्वारा गलत ढंग से यहाँ बालू खनन किया जा रहा है। अब सरकार का रूल रेगुलेशन में है कि 20 फीट से ज़्यादा बालू जहाँ हो वहीं से बालू उठाना सुनिश्चित करें, लेकिन अब है अवैध तरीके से अफसरशाही व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ जो है से गलत किया जा रहा है। मात्र 5 या 6 फीट बालू है और यहाँ उठाया जा रहा है, और ताकि इतना परेशानी होगा लोगों को, इतना परेशानी होगा कि भूखमरी के शिकार होना पड़ेगा। जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम सरकार चला रही है, इधर जो है जल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या बालू उठाया जा रहा है, बाले यहाँ उठा लिया जाता है। हम चाहते हैं कि इस पर रोक लगे और इस क्षेत्र में बालू की संख्या कम है, रोक लगाए ताकि यहाँ का आदमी का जीवन।
नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के भदौनी में एक महिला ने अपने पति की जमकर पिटाई कर दी है। इस दौरान पति टिंकू कुमार बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसके दोस्त के साथ पत्नी का अवैध संबंध चल रहा था। मामले की जानकारी होने पर वो दिल्ली से घर लौटा और इसका विरोध किया। इससे नाराज पत्नी ने पति टिंकू पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल हालत में आनंद फानन में सदर अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित पति ने घटना की शिकायत नगर थाना पुलिस से की है और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या हुआ? हमारा बीवी ने हमको मारा, सिर फाड़ दिया। इससे पहले हमारा बीवी ने हमको धमकी भी दिया, मरवा देंगे तुमको, मार डालेंगे, ऐसा ऐसा बात बोला। क्या कारण क्या है मारपीट का बीवी के द्वारा? हम कुछ दिन पहले हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में हमारा एक दोस्त आया था जिसका नाम है करण कुमार, भदौनी का रहने वाला है। पिता का नाम हुआ उसका रविंदर मिस्त्री। हमारा बीवी को उसने लेकर भाग आया दिल्ली से हमारे पीछे। जब घर पहुंचा तो हमारा बीवी को उसने बहका दिया, तो मेरा बीवी ने धमकी दे के हमको बुलाया यहाँ नवादा। मैं धमकी दे के उसका सुन के नवादा जब आया तो कुछ वो बोल नहीं रहा था। फिर हमेशा वो फोन पास में रखता है, जब जब वो लड़का बोलता है इसको फोन करके मारने के लिए, तब तब लड़की हमको मारता है।